अपनी डेब्यू फिल्म मैंने प्यार किया से बॉलीवुड में तहलका मचाने वाली अभिनेत्री भाग्यश्री का यूं तो फिल्मी करियर सबसे ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी इन्होंने इतना नाम कमाया कि इन्होंने अपने हर सपने को पूरा किया, जो चाहा उसे पा लिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपने सारे सपनों को पूरा करने वाली इस अभिनेत्री का एक ऐसा सपना है जो आज भी अधूरा है, जिसे पूरा करने के लिए इन्होंने काफी मेहनत की थी, साथ ही अपने काफी सारे पैसे भी इस सपने को पूरा करने में लगा दिए। पर इनके पैसे और मेहनत दोनों वेस्ट हो गए, क्योंकि इनका सपना कभी पूरा हुआ ही नहीं और हमेशा के लिए अधूरा रह गया, जिसे आज ये चाहकर भी पूरा नहीं कर पाए। तो आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको इनके उसी अधूरी सपने के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आखिर कौन सा है इनके वो अधूरा सपना जो इतनी मेहनत के बाद भी पूरा ना हो सका, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और साथ ही इस खूबसूरत अभिनेत्री के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभिनेत्री भाग्यश्री ने अपने जीवन में अपने सपने को साकार किया, पर इनका एक सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। वो सपना है अपने बेटे अभिमन्यु को एक सुपरस्टार एक्टर बनाना, क्योंकि ये तो एक सुपरस्टार एक्ट्रेस नहीं बन पाई थी, इसीलिए ये अपने बेटे को सुपरस्टार बनाना चाहती थी, पर इनका ये सपना अधूरा रह गया। इस सपने को सच करने के लिए इन्होंने काफी मेहनत भी की थी और काफी पैसा भी लगाया, पर बावजूद इसके इनका ये सपना अधूरा रह गया। भाग्यश्री ने एक बार बताया था कि अपने बेटे अभिमन्यु को डेब्यू फिल्म दिलाने के लिए इन्होंने काफी बड़े बड़े निर्माता निर्देशक से बातचीत की थी, पर सभी तरफ से इन्हें ना ही मिली। उन सभी ने इनके बेटे की एक्टिंग देखकर रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में काफी मिन्नतें करने के बाद स्ट्रगलिंग डायरेक्टर वसंत बाला ने इनके बेटे को अपनी फिल्म में लेने और डेब्यू कराने के लिए हामी भर दी थी। इस तरह इन्होंने अपने बेटे को साल 2018 से फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता से डेब्यू करवाया था। फिल्म के लिए इन्होंने इनके बेटे ने काफी मेहनत की थी, जिससे इन्हें लगने लगा था कि इनके बेटे की फिल्म सुपरहिट साबित होगी और इनका बेटा सुपरस्टार बनेगा। पर इनकी ये सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई, क्योंकि फिल्म फ्लॉप साबित हुई और साथ ही फिल्म को काफी ज्यादा नेगेटिव कमेंट भी मिले थे, जिसे देखकर इनके बेटे को भी किसी ने भी इनके बेटे को अपनी फिल्म में नहीं लिया। इसलिए तो अपनी डेब्यू के फिल्म के 2 साल बाद भी इनका बेटे ने कोई भी फिल्म नहीं की। इस तरह इनके बेटे का करियर शुरू होते ही खत्म हो गया था, जिसके साथ इनका बेटा अपने सुपरस्टार बनाने का सपना भी हमेशा के लिए अधूरा रह गया, जिसे अब ये कभी पूरा नहीं करना चाहते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अब इनका सपना सच हो सकता है या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।